उड़ता तीर लेने वाले तो बहुत लोग देखे, लेकिन तीर के आगे खोल के खड़ा जाने वाला बंदा पहली दफा देखा। अच्छा, ऐसा बंदा जो बंदा है कि बंदी है समझ नहीं गिर रहा, लेकिन भाई क्या करे, इस गधे ने काम ही ऐसा किया है कि ये बंदा भाई अदनान, इसको कोई काम नहीं है, चलते फिरते उंगली कर दो, उंगली करके फिर अपना नाम बनाना है इसको। एक तो ये लोंडा सच में समझ के बाहर है, इसने पहले एक बार कारनामा किया था, उस टाइम चलो ठीक है समझने वाली बात थी, अभी इस बार एलविस भाई से पंगा ले रहा। अबे साले अकल वकल नहीं है तेरे अंदर भाई, जान बूझ के लिया गया। वो बताओ होता है ना, वो कुत्ता कभी हाथी के पीठ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, चढ़ नहीं पाता है तो नीचे कुछ और हाथ लग जाता है उसके, उसी में खुश रहता है, वैसा इनका हाल है भाई। मतलब एल्विस की बराबरी कर नहीं सकते तो उसकी बुराई कर लो, और भाई बुराई भी करके कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखे तेरे फैंस कितने रियल, ओ फेक फैंस, मुझे याद आ गया, ये बंदा बोल रहा है कि एल्विस के फैन है ना फेक है। क्यों लड़े पागल है क्या? ठीक है एल्विस के फैन फेक हो सकते हैं, लेकिन भाई तेरे पिछले 2 साल से 11 मिलियन फॉलोअर है और लाइक आते 55,000। वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और बहुत ही वो फेक पर्सनालिटी है। ओ वाओ, ये रियल पर्सनालिटी है, 4 बाल इधर से कलर करके और इधर उधर से पता नहीं कहाँ से टैलेंट, तो साले का बताऊँ टैलेंट 3+3 जोड़ के जो टैलेंट बनता है ना वो इसके पास है। और सलमान भाई के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और सामने आके भी भाई भाई कर रहे हैं, और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। अबे साले भाई तू दुआ मान ले कि मैं अपने वीडियोस में गाली नहीं देता, वरना आज तेरी मैंने लंका लुटा देना था यहीं के यहीं। अच्छा, तेरी औकात ये भाई कि तेरे लिए मैंने पहली बार मतलब बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बना रहा हूँ, तू देख ले भाई अब कितना खास बंदा है तू। अबे गधे, तेरे जैसे लोटे हमारे घर पे है ना आते है सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगाने के लिए, उसको मैं कलाया भी नहीं झाड़ू वाला लगाने के लिए, इसको फोन करूंगा। अदनान भाई सच बताओ, नहीं गाली खाने का मन करता है तो ऐसे वीडियोस लेके आते हो क्या? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बर्थडे बॉय, कैसी विशेज आई है आपके फ्रेंड्स लोग से, फैंस लोग की तरफ से, आपको कैसा फील कर रहा? As usual, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमेशा ये लोग इमोशनल कर देते। देखे मैंने तेरे फैंस, देखे इसके कमेंट भाई, पढ़ के मेरा आंसू आ गया, बर्थडे के दिन गालियां पड़ रही है छोरे को, समझ रहे हो? मेरा बर्थडे रहता तो मुझे मेरे दोस्त लोग कमेंट करते हैप्पी बर्थडे भाई इसको। अबे घनचक्कर साले, पहले देख तो ले, पूरा अंधेरा विंधेरा छाया उधर पे, तू काला चश्मा लगा के आई फ्लू और क्या, तेरे को आंखों में बीमारी है, मेरे को आंखों में नहीं इसके दिमाग में बीमारी है, जब भी पैदा हुआ रहेगा तो माँ गोद में खिलाड़ी होगी इसको, अल्ले मेरा बच्चा वो गोद से गिर गया साला, ये तो माथे में चोट आ गई इसके, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो तुम भाई साहब, इतना ही रियल है जितना की भाई राखी सावंत की एक्टिंग रियल है। नहीं दोनों का क्या मेल, हाँ तो इसका और कॉन्फिडेंस का कोई मेल नहीं है, बात तो सही है। पोस्ट डाली भाई ने, लाइक आए 97,000 और कमेंट्स आए 1,60,000, समझ रहे हो 1,60,000। गाली खाने वाला बंदा अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रहा है तो भाई मैं तो बहुत आगे हूँ इससे, मेरे को सिर्फ 2-3 गाली ही पड़ती है। तो ऐसे इंसान को जो लड़कियों से लड़ रहा है, मैं उसके लिए फिर चूड़ी लाया हूँ, उसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ ताकि वो चूड़ी पहन ले। बहुत सही लोंडे, बहुत सही। वो होता है ना बचपन में 4-5 बच्चे शरारत कर रहे होते हैं तो फिर जब पापा आ जाते तो कहते किसने किया, तो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते, वही वाला काम कर रहा है, खुद घर पे चूड़ी पहन के वीडियो बनाता है, इधर आके बोला एल्विस के लिए लेके आया मैं। अबे साले मतलब अगर पंथी में कोई डिग्री होती ना भाई तो इसको अव्वल दर्जे की डिग्री दो। अच्छा अरे भाई साहब अगर तुम ऐसी हरकत कर रहे हो उसके बाद तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ ना बोले तो तुम पैदा ही हुए थे कि बाद में कुछ हो गया था दिमाग में शॉर्ट सर्किट। एक तो इस लोंडे का समझ नहीं आ रहा है कि इसको चाहिए क्या, नाम फेम, फेम है क्या इसके पास? नहीं। थोड़ा गिर गया है फेम तो भी एल्विस का नाम ले लेके आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ नहीं बढ़ेगा तू आगे गाली खाका के। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे। इन लोग बोलेंगे यूट्यूबर कम्युनिटी, देखेंगे तो फुकरा इंसान भी यूट्यूबर कम्युनिटी से ही है, पर मैंने बोला कि फुकरा इंसान अच्छा खेल रहा है क्योंकि वो डे वन से है। नहीं तो दोनों को गाली दे सकता है तो भाई, वरना दोनों चूतर लाल हो जाएंगे, अभी तो एक ही चूतर लाल होने की स्थिति में तू, अब वैसे भी तेरा दोनों ही लाल होने वाले, तू रुक जा, तू तूने राव साहब के छोरे से पंगा लिया तो और वो सब चीज फूट गई और सब लोग हेट देने लगे, तो मैं बोला कि इतना सच अगर हजम नहीं हो रहा तो थोड़ा और सच हेट दे रहे तेरे को गाली पड़ रही है तू भाई, पूरा सच बोल इधर पे आके, क्या इधर कुछ भी इधर फिल्टर ही लगाने का, तुम मालूम है तुम रील में 30 सेकंड मेहनत करते हो लेकिन इधर पे सच बोलो। हर हाल में हम लोग शुक्र करते हैं, हम लोग जहाँ से भी आए प्राउडली बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि प्राउडली कि हाँ हम लोग हैं वहाँ से, और हम लोग को फख्र है कि हम लोग वहाँ से। क्या बोला तूने? फख्र है कि हम लोग वहाँ से।
आज इस मुकाम पे है जहाँ पे लोग सोचते हैं बहुत भयंकर मुकाम पे भाई साहब गाली खा खा के अगर कोई मुकाम पे पहुंचा जाता था तेरे से अच्छा तो दीपक कलाले भाई वो बंदा अपने आप में कम से कम है तो सही कि किसी के आगे चाटता नहीं है लेकिन तू तो एल्विस की चाटेगा कभी किसकी चाटेगा किसी भी तरह से अपना नाम होना चाहिए। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो ओपन हूँ और उसका काम है कैमरे के सामने बैठ के बकबक करना। कैमरे के सामने बैठ के ही बकबक कर सकता है पर वो अगर ओपन है फाइट के लिए तो आई एम रेडी। तेरे अंदर बहुत हिम्मत है बहुत और जब लड़ने के लिए आए ना तो हेलमेट वगैरह पहन के आइयो क्योंकि ना जो तेरा इतना बढ़िया सा 3+3 का चेहरा है ना वो पता नहीं कितने नंबर में जाएगा आगे। समझ रहे हो तेरे लिए तो एल्विस भाई छोड़ दो कटारिया काफी है। कटारिया आ गया तो तेरी पुश्ते आजाद कर देगा 2 मिनट में। ये 07 का नंबर सिर्फ रखा रह जाएगा 06 हो जाएगा तू। और आज का मेरा वीडियो देख के ना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कोई भी बंदा ऑफेंड हो रहा था क्योंकि गाली पूरी की पूरी मैं इसको दे रहा हूँ और अगर तुमको लगता है ना ऑफेंड हो सकते हो तो भाई हो जाओ हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और आज का वीडियो रिलीज होने के बाद है ना अगर मेरे को एक गाली भी आ गई ना भाई तेरे फेवर में तो मैं मान जाऊंगा तू बहुत बड़ा स्टार है। और कल अगर मैं गलती से एल्विस यादव को रोस्ट कर दूं तो मेरा कमेंट गालियों से भर जाए इतना बड़ा औकात है बंदे का। और तू यार क्यों किसी के फटे में घुस रहा है यार वो बंदा तेरी छोड़ ना यार क्यों फालतू के सुधर जा मेरे भाई। अबे साले बाकी ऐसे प्यार सपोर्ट बना के रखना एल्विस भाई तो जीतेंगे पक्का कंफर्म जीतेंगे देखते क्या होता आगे। ऐसे लोग रास्ते में आते रहते हैं इनको लात मार के ऐसे बस साले आगे हो जाने का कोई दिक्कत नहीं है ये सब कोई कुछ काम है इसके जैसे बंदे तो मैं ना उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मजा आएगा अगले वीडियो में कमेंट करो कौन सा वीडियो चाहिए।